24 लोकसभा चुनाव को लेकर बना इंडिया गठबंधन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही बिखरता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होने के सवाल पर पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ से जब पूछा गया कि अखिलेश यादव ने एमपी में गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर विश्वासघात के आरोप लगाए हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री इसका जवाब देते हुए तमतमा गए। उन्होंने पत्रकारों को डपटते हुए लहजे में कहा, अरे भाई छोड़ो अखिलेश, ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उन्होंने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उन्होंने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। कमलनाथ के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। सपा प्रवक्ता फखरूल हसन चांद ने कमलनाथ को उनके ही लहजे में जवाब दिया। देखिए मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने धूसकुची जारी कर दी। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। छोड़िए कांग्रेस वांग्रेस कमलनाथ वमलनाथ, समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक किसान मजदूर की लड़ाई मध्य प्रदेश में भी लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी हराने का काम करेगी। उधर अखिलेश यादव और इंडिया पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी लेते हुए कहा, दिल्ली में दोस्ती और राज्य में कुश्ती। ये इंडिया गठबंधन 2024 चुनाव के लिए बनाया गया था। अखिलेश यादव ने कल कहा था कि कांग्रेस ने उन्हें और सपा को एक साल तक अंधेरे में रखा। एमपी में कांग्रेस एसपी और आप तीनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो फिर ये गठबंधन क्या है? जिस दिन से ये गठबंधन बना, ये अजीब गठबंधन है, दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसा कहीं होता है? कि तो 2024 के लिए बना है। और अभी अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको एक साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे बाद में धोखा दे दिया, उनके कार्यकर्ता रात भर जगे बिठाया और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया है। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आप भी बाहें चढ़ा के सामने खड़ी है, काहे का गठबंधन है? अब आपको बताते हैं कि आखिर कमलनाथ क्यों इस सवाल पर कन्नी काट गए। दरअसल हुआ ये कि शुक्रवार को अखिलेश यादव ने एमपी में गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। अखिलेश ने आरोप लगाया कि उन्हें अंधेरे में रखा गया। जैसा वो एमपी में कर रहे हैं वैसा ही उनके साथ यूपी में भी होगा। अखिलेश यादव ने तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से जुड़े सवाल पर कहा था कि उनकी हैसियत क्या है। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। किस नेता के बारे में बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस के कौन नेता है? देखिए प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के बम्बई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? अखिलेश की नाराजगी से जुड़े सवाल पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने क्या कहा, ये भी सुनिए। अब वो मैं तो ये कहूंगा कि उनको बहुत प्यार पूर्वक आराम से बहुत ही धैर्य के साथ, जैसे हम लोगों ने घोसी में सहयोग किया उसी प्रकार उनको मध्य प्रदेश में सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस को वहाँ मदद करिए। और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो भारतीय जनता पार्टी को और हराना है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए साथ। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही इंडिया गठबंधन के दो सबसे बड़े दलों के बीच विधानसभा चुनाव में ही तलवारें तन गई हैं। अब लोकसभा तक ये गठबंधन कैसे एकजुट रहता है और सीटों को लेकर क्या फैसला करता है, ये देखने वाली बात होगी।